महाराष्ट्र प्रांत के नासिक जिले की सतना तालुका में स्थित है श्री दिगंबर जैन देवस्थान सिद्ध क्षेत्र मांगीतुंगे जी, जो भगवान श्री राम, हनुमान, नल, नील सहित 99 करोड़ तपस्वियों की मोक्ष स्थली के रूप में विश्व भर में प्रसिद्ध है। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण वातावरण में स्थित इस युगल शिखर वाले सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है बलदेव जी सहित तीर्थंकर भगवंतों एवं अरिहंतों मुनिवरों की हजारों प्राचीन प्रतिमाएं, जिनके दर्शन मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि मांगीतुंगे तीर्थ की निरंतर दो यात्राएं करने से श्री सम्मित शिखर जी की एक यात्रा के समान पुण्य प्राप्त होता है और जो भी श्रद्धालु पांच पूर्णिमा के संकल्प के साथ मूल नायक विश्वहितंकर चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की अतिशयकारी एवं मनोज्ञ प्रतिमा का दर्शन अभिषेक करता है, उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। पर्वत के तलहटी में स्थित श्री मुनि सुब्रतनाथ जैन मंदिर में विराजमान है शनि ग्रह अरिष्ट निवारक भगवान मुनि सुब्रतनाथ जी की 20 फीट उत्तुंग श्याम वर्णीय खड़गासन मुद्रा वाली प्रतिमा, जिसका प्रत्येक शनि अमावस्या के दिन महामस्तकाभिषेक किया जाता है। आप भी यहां आकर भगवान मुनि सुब्रतनाथ जी की इस अतिशयकारी प्रतिमा के दर्शन के साथ साथ तीर्थ के मूल नायक चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिदिन होने वाली शांति धारा में सहभागी बन महापुण्य का अर्जन कर सकती है। दर्शनार्थियों के ठहरने के लिए तीर्थ पर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एक भव्य धर्मशाला बनी हुई है, जिसकी एडवांस बुकिंग के लिए www.mangitungi.org पर लॉगिन करें। मंत्र
25,111 रुपए की राशि लेकर के आप एक मंडल को आरक्षित कराए, अपने परिवार को लेकर के आए, भोजन की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था, पूजन सामग्री की व्यवस्था, सभी व्यवस्था आपको कैब कमेटी के द्वारा प्राप्त हो जाएगी। आपको केवल आना है, भक्ति के साथ आराधना करना है और असंख्यात पुण्य वर्गणाओं को लेकर के जाना है। तो समय कम है, अपने नाम आज ही आरक्षित करें। एक कल हमारे जयपुर से फोन आया और उन्होंने एक मंडल को बुक किया, उनका परिवार आकर के यहाँ पर सिद्धू की आराधना करेंगे। इस प्रकार से प्रतिदिन मंडल के लिए नाम भी आ रहे हैं, द्रव्य के लिए भी नाम आ रहे हैं। आप भी अपने सौभाग्य को जागृत करते हुए यहाँ पर हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, अपने नाम आरक्षित करें। जिन महानुभाव की भावना हो कि अपने परिवार के द्वारा बड़े रूप से हो, तो उनके लिए भी बड़ी सुंदर योजना है। 8x8 का बड़ा मंडल बनेगा, उसके ऊपर पूरी आराधना श्रीपद के द्वारा होगी और 1,11,000 रुपए की राशि में आप उस मंडल को अपने परिवार के द्वारा पूरा पूरा लाभ प्राप्त करेंगे। नाम दिए गए नंबर पर आप विजिट करेंगे, कल से नाम जो भी आएंगे उनके नाम क्या से घोषित किए जाएंगे, उनके द्वारा शादी करा भी आप संपन्न होगी। इसके अलावा आप 108 पीपल हो, पूजन के चावल हो, पुष्प हो, इसके लिए भी 2100, 1500, 1100, कम से कम 551 की भी राशि भेजते हैं तो भी आपका द्रव्य इस पूजन के लिए लग जाएगा। अपने नाम अवश्य दे, जो भी मनोकामना पूर्ण करें वह सभी मनोकामना भगवान पार्श्वनाथ जी के चरणों में पूर्ण होती है। जो भगवान के दर्शन करते हैं, शुद्ध भावना भाते हैं, 108 प्रदक्षिणा करते हैं, ऐसा कौन काय है जो भगवान के दर्शन से सिद्ध न होता। आज हमारे बीच में चारमल जी, पंडित जी, सांताक्रूज, बंबई विराजमान। कई बार काकी जी के स्वर्गवास के समाचार सुनने के बाद बंबई जाने के लिए उद्यत हुआ, लेकिन 3 बार कुछ न कुछ कारण आए। परसों जाने की तैयारी, तो घर में किसी का, परिवार में कोई विघ्न आ गया, जा नहीं पाए। चारमल जी बंडी एक समाज सेवी है, धार्मिक है और सदैव अच्छे कार्यों में आप और आपका समस्त परिवार समस्त कार्यों में लगा रहता है। आज हमारे पारसनाथ भगवान के जितना हम भक्ति करेगा, इतना हमारे लिए कमे सच्चे हृदय से करेगा तो जरूर से जरूर उनका फल मिलेगा ही मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलने वाला नहीं, पर हम सच्चे हृदय से करेगा तो जरूर मिलेगा। यही हमारा पारसनाथ भगवान। पहाड़ के ऊपर भी माँ जीर्णोद्धार काम चालू है, उसके लिए इतने को सहयोग करना जरूरी है। श्रावक नहीं करेगा तो कौन करेगा, जरूरी है। मैं सर पहाड़ का सीढ़ी का भी जीर्णोद्धार करना हो रहा है, उसके लिए भी अपने को करना चाहिए। और अभी शीत चक्र विधान होने वाला है तो भाई नजीक आ गया, 25 जून को होने वाला है चालू, उसके लिए भी अपने को सहयोग करना चाहिए। जितनी अपनी शक्ति न छिपा कर अपने को सहयोग करना जरूरी है।